उदाहरण 8 सरल कीजिए। पहला, 3^2m (+9^3m)/3^4m(+1). हमें 3^2m (+9^3m)/3^4m(+1) को सरल करना है। इसके लिए सबसे पहले हम प्रश्न पर देखेंगे कि आधार यहाँ 3 है, इधर 9 है और इधर 3 है। तो 9 को हम सबसे पहले 3 में बदलेंगे। आधार जो है 9 है, इसे हम 3 में बदलेंगे। तो इसके लिए हम 3^2m (+1) लिखेंगे, गुणित इस 9 को हम 3^2 लिखेंगे, क्योंकि 3 × 9 होता है। और इसको हम कोष्टक में लिखेंगे, 3^3^4m(+1) बराबर 3^2m (+1) गुणित 3^ यहाँ पे घात जो है 2 कोष्टक के अंदर और कोष्टक के बाहर 3m गुणा हो जाएगा। तो 2 × 3m (+6m)/3^4m(+1). यहाँ पे हमने घात में घात का नियम लगाया है, 1^m(+n)/1^m(+n) बराबर यहाँ पे देखेंगे आधार 3 और यहाँ पे आधार 3 है। इसको हम गुणा का नियम लगाएंगे, इसमें आधार को एक बार और घात जो है हमारी जुड़ जाएंगी। तो 2^3^2m(+6m)/3^4m(+1). यहाँ पे हमने घातांक का गुणा का नियम लगाया है, 1^m(+1^n)/1^m(+n) होता है। आगे हम इसे अगले पृष्ठ में देखेंगे। हमें प्राप्त हुआ था 3^2m(+1^6m)/3^4m(+1) बराबर 3^2m(+6m)/8m(+1)/3^4m(+1) बराबर यहाँ पे अंश में घात आधार 3 है और हर में भी आधार 3 है, तब हम यहाँ घातांक में भाग का नियम लगाएंगे। तो आधार 3 को हमने एक बार लिखा और अंश का घात 8m(+1) को हमने कोष्टक में लिखा, भाग में यहाँ ऋण और फिर हर का घात 4m(+1) को दूसरे कोष्टक में। हमने यहाँ पे घातांक का नियम लगाया है, 1^m(+1^n)/1^m(+n) बराबर 3। कोष्टक को जब हम खोलेंगे तब हमें प्राप्त होगा 8m(+1). ऋण एक को जब हम कोष्टक खोलने पर हमें प्राप्त होगा ऋण 4m और ऋण 1 × (+1)/(+1) बराबर 3 8m
ऋण 4m, धन 1 ऋण 1 बराबर 3 का घात 8m ऋण 4m बराबर 4m और धन 1 ऋण 1 बराबर 0। तो हमें प्राप्त हुआ 3 का घात 4m। यह उदाहरण का हल होगा। दूसरा, x की घात a धन b गुणित y की घात a ऋण b बटा x की घात a धन 2b गुणित y की घात a ऋण 2b। हमारे पास प्रश्न है, x का घात a धन b, y का घात a ऋण b बटा x का घात a धन 2b, y का घात a ऋण 2b। इसे हम सबसे पहले लिखेंगे, x का घात a धन b बटा x का घात a धन 2b गुणित y का घात a ऋण b बटे y का घात a ऋण 2b। अब यहाँ पे घातांक में हम भाग का नियम लगाएंगे, क्योंकि अंश और हर के आधार में x है। तो x अंश का घात a धन b को हम कोष्टक में लिखेंगे और भाग के नियम से घात में ऋण चिन्ह लगेगा और हर का घात a धन 2b को हम कोष्टक में लिखें। पुनः हम इसे भी घातांक का भाग का नियम लगाएंगे, तो y अंश का घात a ऋण b को कोष्टक में लिखेंगे, ऋण हर का घात a ऋण 2b को हम पुनः कोष्टक में लिखेंगे। यहाँ हमने घातांक का भाग का नियम लगाया है, क्योंकि a का घात m बटा a का घात n बराबर a का घात m ऋण n होता है बराबर। कोष्टक को जब हम खोलेंगे तो हमें प्राप्त होगा x का घात a धन b, कोष्टक खुलने पर ऋण को जब हम धन से गुणा करेंगे तो ऋण a, ऋण को धन से गुणा करने धन 2b से गुणा ऋण a को धन 2b से गुणा करने पर ऋण 2b गुणित y का घात, पुनः घात में कोष्टकों को खोलने पर हमें प्राप्त होगा a ऋण b ऋण a धन 2b बराबर x का घात a ऋण a धन b ऋण 2b गुणित y का घात a ऋण a ऋण b धन 2b बराबर x का घात a ऋण a शून्य धन b ऋण 2b बराबर ऋण b गुणित y का घात a ऋण a शून्य तथा शून्य धन ऋण b धन 2b बराबर b। आगे हम अगले पृष्ठ में देखते हैं। हमें प्राप्त हुआ था x का घात शून्य धन ऋण b गुणित y का घात शून्य धन b बराबर x का घात ऋण b गुणित y का घात
शून्य धन बी बराबर बी। अब हम यहाँ पे ऋणात्मक जो घात है ऋण बी, इसको धनात्मक में बदलने के लिए इसे हम लिखेंगे एक बटा एक्स का घात बी गुणित वाई का घात बी। हमने यहाँ पे घातांक का नियम लगाया है, क्योंकि एका घात ऋण एम बराबर एक बटा एका घात एम होता है बराबर वाई का घात बी बटे एक गुणित वाई का घात बी बराबर वाई का घात बी बटे एक्स का घात बी। इसे हम लिख सकते हैं वाई बटा एक्स का घात बी। हमने यहाँ पे घातांक का नियम लगाया है एका घात एम बटा बी का घात एम बराबर ए बटा बी का घात एम। यह उदाहरण का हल होगा।